बोलने और सुनने की प्रैक्टिस के लिए जो कहानी मैं आज लेकर आई हूँ उसका नाम है टू पॉट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। अ वाटर बेयरर कैरीड टू पॉट्स ऑफ वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस एवरी डे। एक पानी भरने वाला, वाटर बेयरर यानी पानी भरने वाला पन्हारा, कैरीड यानी उठाकर ले जाता था, टू यानी दो, पॉट्स मतलब मटके, मास्टर्स हाउस अपने मालिक के घर रोज, एवरी डे यानी रोज। तो एक पानी भरने वाला पन्हारा रोज दो मटके पानी के भर के अपने मालिक के घर लेके जाता था। वन पॉट वॉज परफेक्ट बट द अदर वन हैड अ क्रैक ऑन इट्स साइड। तो एक जो मटका था वो बिल्कुल सही था, पूर्ण था, उसमें कोई दरार नहीं थी, मगर अदर वन जो दूसरा मटका था उसके किनारे में, साइड में एक दरार थी। द परफेक्ट पॉट ऑलवेज मेड फन ऑफ द क्रैक्ड पॉट। तो जो पूर्ण था, जो मटका जो टूटा हुआ नहीं था, वो ऑलवेज हमेशा, मेड फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना, तो जो बिल्कुल सही मटका था वो हमेशा दरार वाले मटके का मजाक उड़ाता रहता था। वन डे द क्रैक्ड पॉट आस्क्ड द वाटर बेयरर टू रिप्लेस इट। तो एक बार, वन डे मतलब एक दिन, जो क्रैक्ड पॉट था, दरार वाला मटका था, उसने पन्हारे को बोला कि आप मुझे रिप्लेस कर दो, मतलब आप मुझे बदल दीजिए, कोई और मटका ले लीजिए। द क्रैक्ड पॉट थॉट दैट इट वॉज इम्परफेक्ट एज इट कुड ब्रिंग ओनली हाफ ऑफ द वाटर बैक। तो जो दरार वाला मटका था उसने थॉट मतलब सोचा कि वो अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, उसमें कमियां हैं। एज मतलब क्योंकि वो, इट यूज हुआ है क्योंकि ये नॉन लिविंग है मटका, तो क्योंकि वो सिर्फ आधा पानी ही वापस ला पाता था। द वॉटर बेयरर स्माइल्ड, ही टोल्ड द क्रैक पॉट दैट ही न्यू अबाउट इट्स फ्लॉ। तो जो पन्हारा था वो स्माइल्ड, मुस्कुराया, और उसने कहा मुझे तुम्हारी फ्लॉ यानी कमी के बारे में पता है। ही सेड that he had planted some flowers on the cracked pot side of the way. He said, मतलब उसने कहा कि मैंने कुछ पौधे, फूलों के पौधे बोए थे, planted मतलब बोए थे, तुम्हारी तरफ का जो रास्ता है वहाँ पर, side of the way मतलब रास्ते के किनारे। तो उसने दरार वाले जो मटका था, दरार वाले मटके के रास्ते की तरफ कुछ फूलों के पौधे बोए थे। Due to the water that spilled from the cracked pot, the flowers blossomed. Now he could get beautiful flowers for his house. Due to मतलब इस कारण कि जो spilt मतलब जो पानी बहता था, पानी cracked pot की तरफ से जो पानी बहता था उसकी वजह से जो फूल थे वो blossomed, खिल गए। And now मतलब अब जो पन्हारा था सुंदर सुंदर फूल जो हैं अपने घर ले जा पाता था। The pot was so happy to see this. It didn't feel worthless anymore. तो जो मटका था, cracked pot, दरार वाला मटका, वो बहुत happy, खुश हो गया ये देखकर। अब उसको worthless, यानी कि बिल्कुल बेकार महसूस होना बंद हो गया। Anymore मतलब अब उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो बेकार है। The moral of the story is that we all have imperfections. Do not be ashamed of your cracks. Try to create something beautiful out of them. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब में इम्परफेक्शंस यानी कमियां हैं। अपनी कमियों से आप शर्मिंदा मत होइए। क्रैक्स यहाँ पे, क्रैक्स का मतलब है कमियां, उनसे कुछ सुंदर, कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा निर्माण करने की, क्रिएट मतलब निर्माण करने की कोशिश करिए। इफ़ यू लाइक द स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।